ये भी चंगी मतलब के कबूतर भाई साढ़े जम्मू के बड़ी तगड़ी कबूतर भाई चले करती इसलिए बड़ा मतलब नाँ रोशन हो करता है जिस तरह राजू भाज जी इन्होंने अपना नाम बनाया बड़ा अच्छा कबूतर लाए अपने और चंगे टाइम मारे कबूतर ने और वापसी बड़ी वधिया आई कबूतर है बार्डर वाली शर्त है तो एक एक कबूतर गणाउंदा कि टाइम मारिया सारे पता लगी जाता है तो इस करके एक थोड़ा ठीक है ये कोई हार भी आए नामी कबूतरबाज अफसोस कोई नहीं होंगे सू क्योंकि एक ओपन जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। तो सब भाइयों का मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब भाई, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है, उम्मीद करूँगा सब अच्छे भी होंगे। तो आज दोस्तों एक बार फिर आप दोस्तों को एक अच्छा शो दिखाने की कोशिश करेंगे और आज मैं जाने माने शख्स जो जम्मू के काफ़ी पुराने कबूतर परवर हैं जिनके छत पे आज मैं आया हूँ, वो काफ़ी पुराने कबूतर परवर हैं। 1978 से इनकी कबूतर परवरी चल रही है और कुछ इन्होंने बाजियाँ भी नहीं की है। तो आज इन्हीं की छत पे मैं आया हूँ आप दोस्तों को इनके जो पुराने कबूतर उनका शो करवाने। और तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके भी अपनी अपनी राय रखिएगा। तो हमारा सिर्फ एक ही मेन मोटो रहता है, एक अच्छा शौक और कबूतरों के जो मेडिसिन जितने भी आपको पता ही है हम हर चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों को मैंने बताया कि आज जिन छत पे मैं आज आया हूँ ये अपने काफ़ी पुराने कबूतर परवर हैं तो हमारे साथ आज बैठे हैं। तो आज इन्होंने हमें मौका दिया अपनी छत पे आने का। तो आज इनकी छत से आपको काफ़ी पुराने कबूतर के बारे में शो दिखाएंगे, काफ़ी पुराने जो कबूतर हैं इनके और कुछ कबूतरों के बारे में भी इनसे पूछेंगे पहले की कबूतरबाजी में और आज की कबूतरबाजी में इनको क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। तो देखिए आज हमारे साथ जो बैठे हैं तो ये देखें पहले नंबर गुगू भाई बैठे हैं, तो ये महेंद्र जी हैं जिनकी छत पे हैं आज हम, और खलीफा राजू जी और ये अनिल भाई। तो सबसे पहले सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। परमा आज वीडियो डोगरी च बननी चाहिए, डोगरी एक नवी शुरुआत हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, साढ़े कन्नै पुराने बंदे इंदे नै डोगरी च गल करके कन्नै मजा भी आना। ठीक बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल जी किन्नी देर तू कबूतरबाजी कर रहे हो? मेरी महाराज होइए कोई 45 साल हो गए ना। 45 साल तू कंटिन्यू लगे कबूतर? कंटिन्यू, कोई बिच गैप नहीं पाया। कल जी बाजियां शाजियां कोई खेलियां? बाजियां महाराज सीटी खेडी दी ना दो। अच्छा जी। हां केड़े सन? 84 बिच एक जब बाजी जीती ही। अच्छा। ते एक बाजी जीती ही 86 च। 86 च फिर मैं इधर आ गया चुंगी, रपाटा चुंगी आ के 97 बिच आया। मैं इतने 97 बिच इतने आया तो फिर मेरी शर्त लगी इतने कबूतरबाज एक मेन फंदू उसी रहाया मैं। फिर एक मुड़ा और ही भला उसी रहाया मैं, वो मतलब इतों के मुड़े मेन कबूतरबाज ही। अच्छा। हाँ तो फिर एक टीटा टीटा हाँ इतने तो चलो वो तो अपने शकीरत में पाया तो नाम चला के उसी भी रहाया। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर कुछ कारोबार के पई है थोड़ा बच्चे जवान हो गए फिर शर्टा लाने बंद करी उड़े। अंकल जी तो इन्ने पुराने कबूतर बाज हो और इन्ने पुराने कबूतर परवर कह लो ना, अज की जी कबूतरबाजी और जी पहली कबूतरबाजी होंगी ये कोई फर्क तुम्हें देखने मिले करता अज के समय? हाँ हाँ फर्क तो बड़ा है। केड़ी केड़ी चीज़ा सुधार से तुम फर्क लग रहा कि पहले च और अज च इन इन चीज़ों से बड़ा फर्क लगा? जी पहले वाली कबूतरबाजी है ना वो थोड़ा रोंद पी जाता हाँ। अच्छा। क्योंकि कल एक एक कबूतर की खेड होंगी सारी लास्ट वाले की वो गल सही है। ठीक है बिल्कुल। तो अज का यह है कि अज के बंदे मते हो मते बंदे पीते हैं
कप उठता है वो कने कि रोंद नहीं पैंता है ठीक है अज घंटे हिसाब के नाल ठीक है बार्डर वाली शर्त है तो एक एक कबूतर गुणा कि टाइम मारिया सारे पता लगी जाता है तो इस करके एक थोड़ा ठीक है ये कोई हार भी है नामी कबूतरबाज अफसोस कोई नहीं होंगे सू क्योंकि एक ओपन है मैं कहना मतलब कि जो पहले कबूतरबाजी लास्ट कबूतर देखे जाता है तो कोई बाहरों छड़ भी छड़ता है तो फिर विन हो जाता है ना तो अज से यह कि सारे कबूतर जो कि हर बंद की मेहनत जी गवा हर कबूतर का टाइम नोट होता बिल्कुल बिल्कुल इस बड़ा फर्क इस चीज़ को देखने मिलता हाँ जी हाँ जी क्योंकि जल्द लास्ट कबूतर जिदा डिगदा ही ना आता ही वो सी के आखते हैं कि अह बही आया हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो उत इन्नी उड़ारी की होंगी कबूतर ने इन्नी मेहनत भी की होंगी मालक ने बिल्कुल तो उत बेकार हो जाती वो उल्ले बेकार हो जाती ही बिल्कुल करने वाले करी उड़ते हैं ये होंगी रैफरी हथ गल अजकल रैफरी बड़े ने और अच्छे रैफरी ने उल्ले रैफरी नहीं होंगे इन्ने मतलब कि जिधर थोड़ा सा देखा तो चली जाते तो हूँ तो बड़ी अच्छी है और हूँ हो भी चंकी मतलब कि कबूतरबाजी साढ़े जम्मू बड़ी तगड़ी कबूतरबाजी चले करती इसलिए बड़ा मतलब नाम रोशन होया करता है जिस तरह राजू भाज जी इन्होंने अपना नाम बनाया बड़ा अच्छा कबूतर लाए अपने और चंगे टाइम मारे कबूतर ने और वापसी भी बड़ी वधिया आई कबूतर की ये नाल ही अहे थोड़ा सवाल एक राजू खलीफा राजू जी उनके कने भी पूछने राजू वीर फर्स्ट टाइम तुसें बाजी खेली है ना बिल्कुल ते मेरे हिसाब ने ज़्यादातर नहीं कोई छे सात साल हो गए कबूतर के पांच छे साल हो गए कबूतर उड़ाना मेरे हिसाब ने दो के साल हो कबूतर उड़ाने दो के साल हो एक चीज़ है कि कई ने कई उड़ाते नहीं है ना तो कई ने उड़ा उड़ा के भी अपने मतलब कि नाम बनाने वास्ते भी काफ़ी देर तो मेहनत कर रहे हैं बड़े काफ़ी कई बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं पर कुछ एक अपना बैड लक भी हो जाता ना अजवीर एक किस तरह एक माइंड से होया कि इस बार चलो अहें बाजी भी खेली है दो नंबर इन्नी मतलब कि एक जी देखो कबूतरबाजी है ना जी मतलब कि कहते कि उड़ाना कबूतर कबूतर संभालना कबूतर की बासी आके कबूतर किस तरह मतलब कि उसी कंट्रोल करना किस तरह उसी संभाली करनी है खुराक कियां देनी है इतनी जल्दी किस तरह तुम्हें एक्सपीरियंस इतनी जल्दी किस तरह हो गया क्योंकि बड़े पुराने शिकारी भी हैं जो इन्नी जल्दी नंबर च नहीं आते और तुम दो साल कबूतर उड़ाते हो कि पहले बारी तुम सारे नाम च सारे टूरनामेंट नाम अपना दाखिल किया वर्मा साहब सब तो पहला नंबर से थैंक यू जो सवाल पूछा सब तो पहला नंबर सहयोग होंगे एक टीम का जो सब तो पहला नंबर एक टीम का टीम में साढ़े गुगू भाई अनिल भाई ने मेरी बड़ी सपोर्ट की ठीक है अनिल भाई दादा सवेर ने वापसी जिंदा रहा ते बंदे होने चाहिए तुम आखो कल्ले कबूतरबाजी अजकल करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि पहले जमाने हे उसे कबूतर दस ग्यारह बजे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं अजकल कबूतर त्रै त्रै चार चार पांच पांच बजे तक सत्त सत्त बजे लोगों उतरे दिन ते और टाइम भी चाहिदा ते दूआ नंबर तुहाड़े कोल अगर अच्छी ब्लड लाइन होग ना ते ओह पक्का तुसीं किश ना किश करिए दस्सो हुण तुस आखो ब्लड लाइन अगर चज दी नहीं होग ते जिन्ने मर्जी तुस बदाम भी खिलाए लो उड्डने दे हैनी है वह खाली दाना बर्बाद करने वाली गल है ते बाकी मेहनत करनी पौंदी है मेहनत करगे ते रिजल्ट भी लभदा अच्छा इहदे च साढ़े जिन्ने भी हैन साढ़े अपने जिन्ने भी साढ़े व्यूअर्स ने इस टाइम देख रहे ना ये तो अपने अपने उस्ताद के बारे में भी दिखाओ दसो कि उस्ताद जी कि मतलब कि किन्नी एक तो उस्ताद उनके कने बाजी के टाइम मतलब कि कम्पोजिशन मतलब कि तालुक रहे है कि उन्होंने ज्ञान शिक्षा सब कुछ किस तरह तुम हैंडल उन्होंने किया तुम कि तुम इस मुकाम च पुजे बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो मेरी है सरपंच कलेर पार्टी हाँ जी उनका नाम पूरी दुनिया च लोग जानते हैं ते मेरे उस्ताद जेहड़े उन्हें शमशेर सिंह बाजवा बटाले दे मेन उस्ताद है बड़ा हत्थ होंदा क्योंकि उस्ताद गै एक बंदे गी चलांदा अग्गै गाइड करदा है ते मता नहीं ध्याड़ी दा दो बारी फोन चलता हुंदा कन्नै पूरी पूरा गाइडेंस करदे है कि इस तरह बिल्कुल बिल्कुल जेहड़ा देखो अगर कोई उस्ताद और सही चेला होगा ना उस्ताद भी ओहदा साथ दे ते अगर चेला गै उस्ताद दी सुनन नहीं आया ते उस्ताद बेचारा केह करगा
ठीक है, जोरे चलते चलते हो तो कोशिश करो पूरी और लड़ पकड़ो और ही सुनो, आ रोक दे और सिर पर रोक, जित रोक दे और सिर पर रोक, ये आगे त्रों किस्तियां प्यार हो गए, एक गड़ती लगे दुए दुए गड़ती लगे त्रीए, कुदा भी किस्ती एक भी नहीं पूजनी पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गल सही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कुछ सवाल खलीफा राजू जी से पूछे और हमारे जो काफ़ी पुराने सीनियर बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं इन्होंने भी कुछ अपने अपने राय बताई कि किस तरह से पहले की कबूतरबाजी और आज की कबूतरबाजी इन्होंने क्या फ़र्क देखा, और हमारे साथ गुगू भाई भी हैं तो मैं कहूँगा कि दो लफ्ज़ ये भी हमारे कबूतर परवर को बताएं और एक एक अच्छा संदेश दें क्योंकि ये भी काफ़ी पुराने कबूतर परवर हैं। तो भाई जी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले उनको एक अच्छा संदेश और एक अच्छा उनको एक गाइड करें कि कैसे कबूतरों के बारे में ना कि कैसे बाजियों के टाइम क्या कई बार क्या होता है कि हार भी जाते हैं वो उस चीज़ को वो करते नहीं है ना, अब्जर्व नहीं करते ना किसी चीज़ को। अब कोई जीतता है वो अपनी मेहनत से जीतता है, हारता है इसमें बड़े क्लेशें पड़ते हैं ना, बड़ी लड़ाई झगड़े बड़े हो जाते हैं कि वो हार जीत गया है। मैं तो ये कहूँगा जो खेलता है हारता है, मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हारा है वो खेल के हारा ना, जो खेलते नहीं हैं बोलते हैं उन बातों पर नहीं जाना चाहिए ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डोगरी से गल करना ते थोड़े माध्यम करना चैनल के माध्यम करना सारे लोगों ने अपने ये संदेश देना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत का शौक करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत करना गै दुनिया जीती जाती है, लड़ाइयों बिच पंगे बिच या कोई गलत कमें बिच पेइया कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा इ मैसेज है कि अच्छा शो करो। तो फस्ट ऑफ ऑल है कि चिड़ी मारी नहीं करो यार, इस चीज़ को हर कबूतर परवर बड़ा दुखी है क्योंकि बड़ा टाइम लगता है, दसंबर फरवरी मार्च अप्रैल फिर किन्ना कबूतर कट्ठा करो उसकी पर पटाई करो किन्नी सेवा है। तो कुछ मेरे ऐसे भरा ने सारे नहीं है ना, बड़े बड़े अच्छे भरा भी हैं जिन्हें बड़े लोगों ने कबूतर वापस दिते ने, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ। तो कबू है कबूतर की यार कट्टो नहीं है, कोशिश करो कि अगर तुसे डिमांड करो भाई अहें पैसे लैने अहें पकड़े दा अहें मेहनत की दी है अहें जरा अहें पैसे लैने, हर कबूतर परवर जोड़ा भी है ना जो बाजी होगा ना उन्हें पैसे देने गै देने। तो मेरा इ मैसेज है कि सारे जिन्हें कबूतर बाज भरा हैं इ रिक्वेस्ट है कि चिड़ी मारी वाले काम यार बंद कर दौ, क्योंकि इंदे विच नुकसान ही नुकसान, फायदा तो है नहीं है, क्योंकि कबूतर जो तुम कट्टी ओड़ना बाद जो तुम कट्ठे बेचने ना वो 300 रुपया नग गया जाने ना, 200 रुपये को फालतू देना नहीं है। बिल्कुल एक अपनी कुहला कबूतर तुम वापस दे गए कि रिस्पैक्ट है, किन्ने ग्रुपे च मैसेज जाना कि यार फलाने बंदे ने मेरा कबूतर वापस देता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बाकी चलो कई भरा मेरी गल् माड़िया भी लगनिया ने, बाकी मेरा इे मैसेज है कि अच्छा शो करो तो ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 2 ਕਿ 3 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਬੜਾਪਣ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਜੋੜਾ ਦਾ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾੜੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇ ਦਿਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਏ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਢ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 37-38 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ
पिछे आते जाते इन्ना कोई अपना नहीं ने सिस्टम रखे है, अपनी दुकानदारी अपने काम बिच गै मशरूफ रहे हैं। बाकी शौक बहुत बढ़िया है, शौक का कोई मुकाबला नहीं है। शायद ईले पंछी साढ़े को भी हैनी है रोहित भाई, ब्रीडा इंदे को और मतलब हाई फ्लायर कबूतर पुरानी तो पुरानी नस्ल आज तू 15-15, 20-20 साल पुरानी, क्योंकि ये बेचते हैं सेल इन्हें किए नहीं है। कबूतर खाली सेव करते गए हैं और डुआते हैं और शो करते हैं। तो अज तुहाड़े चैनल के माध्यम करना पहले बार मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर आए ना ये फोर्स किया है कि तुम इन्ने बड़े कबूतर बाजो साढ़े एरिए कम से कम तुसें भी लोगों बाहर पता लगे कि यार गुगू भाई अपना राजू भरा अनिल भाई जिंद तारीफ करा ने तो भी कोई एक अच्छे कबूतर परवर ने ताइयो इन्हें चैनल पर अज आंदा है कि तुस अपना जो विचार है पुराना वह दसो इंदे को अहें सीखना और इंदे को सीखिया क्योंकि बड़े को बंदा सीखता है। ठीक है ना, और बहुत अच्छे कबूतर बाज ने और इंसान बहुत अच्छे ने, बड़ी गल है। बाकी मेरा उ है कि अच्छा शो करो यार, बाकी कोई गलती है तो माफ करो गुस्साखी हुई। तो चलिए हमारे साथ अनिल भैया भी है, इनसे भी कुछ चार वर्ड हमारे कबूतर परवर जितने भी नए शौकीन जो जुड़े हैं इनके लिए ये बोले। पहला तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जो हमारे कबूतर परवर है डोगरी बोले ते मैं एक गल आखना चाहना कि सारी गल्ला मेरे सारे तीनों भ्राएं करी उड़ी है, जिहड़ी भी गलबात है कबूतर परवर के बारे च सारी उन्हें डिटेल च दसी उड़िया। सिर्फ एक गै गल आखूं मैं, साढ़े मढ़ ब्लाक की जोड़ा हम सू प्लेटफॉर्म मिले ना कबूतरबाजी के दौरान, अस उसी अच्छी तरह चलाचै तो अगर पूरा जे एंड के अपने मढ़ ब्लाक की अगर वह ना रोशन करचै। पहला तो नंबर राजवीर होने साढ़ा तगड़ा नाम बनाया सारी इधर, बहुत चंगे कबूतर उड़ाए। पहला सिर्फ अस 1-1 बाजी खेडते रहे अपने इलाके च, सिर्फ मढ़ च जाने के अस सिर्फ किस नाचो तुम कि एरिया साढ़ा कोई बाजी नहीं खेडता, सिर्फ सारन आए चिड़गाली आए बाजी खेडते। 2009 पहली बाजी खेडी है चिड़गाली आए कहना, वो बाद सा सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ उ हूँ 4-5 साल तू अ गुगू बीरों ने एक अपना गजन सुमार पिजन क्लब अहें एक ग्रुप बनाया, तो वो जाने अहें ऑर्गनाइजर कीतियाँ 4 बाजिया अहें टूरनामेंट ऑर्गनाइज कीतियाँ, जरिए अस अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हूँ। हूँ इसी अस होर अच्छे लैवल पर लेना चाहते हैं। तो बस भरा मेरा जिन्हें भी सुना दे जिन्हें भी वीडियो देखन सुनगन इे कोशिश करो कि शौक वधिया करो, अच्छा करो तो प्यार करना करो। बस जी शुक्रिया। ये थी दोस्तों आज की जो वीडियो, ये पार्ट 1, और इनमें आप दोस्तों को जैसे मैंने मुलाकात करवाई जो हमारे पुराने बुजुर्ग सीनियर जो हमारे साथ आज बैठे थे, जिन्होंने मौका दिया आज महेंद्र जी ने और गुगू भैया और खलीफ राजू जी और मैं अनिल भैया, जो उनके हमने राय तो कुछ उन्होंने अपने अपने राय दी है, तो इनके बारे में ज़रूर आप दोस्त कमेंट्स करके बताइएगा। तो जल्दी आप दोस्तों को नेक्स्ट पार्ट में इनके जो पुराने कबूतर जो इन्होंने आज से जो पुराने कबूतर 20-25 साल से जो इनके बाद चल रही गेम, तो उसका आपको शो कराएंगे, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलेंगे आप दोस्तों का एक और वीडियो में।